नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सोमवार को 7 जून है। आज का दिन JPSC के जो भी स्टूडेंट 6वीं JPSC में क्वालिफाई हुए थे, सिलेक्टेड हुए थे, उनके लिए दोस्तों एक बुरी खबर आई। जो 6वीं JPSC के जो फाइनल नतीजे थे उसको जो है झारखंड हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। तो जो JPSC का जो रिजल्ट था, 6वीं JPSC का फाइनल नतीजे थे, वो रिजल्ट दोस्तों कैंसिल कर दिया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको लेकर जो है हाईकोर्ट में याचिकाएं थी। और मामला दोस्तों ये था, क्यों किया है कैंसिल, क्योंकि दोस्तों जो क्वालिफाइंग पेपर थे मेंस में हिंदी और इंग्लिश का, इसके हिंदी इंग्लिश का, तो दोस्तों इसके मार्क्स जो है कुल प्राप्तांक में जोड़ दिए गए हैं, जबकि विज्ञापन में एडवर्टीजमेंट में ये बताया गया था कि ये पेपर जो है क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाइड पेपर के दोस्तों जो मार्क्स हैं कुल टोटल मार्क्सों में नहीं ऐड होते, वो पेपर केवल क्वालिफाइंग होते हैं। फ्रेंड्स, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो रिजल्ट है लगभग 8 सप्ताह में दूसरा रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट जो है जारी किया जाए। तो फ्रेंड्स, JPSC का जो रिजल्ट है 6वीं JPSC का, जो कि दोस्तों कुछ महीने पहले जारी किया गया था, ये रिजल्ट दोस्तों कैंसिल कर दिया है और 8 सप्ताह में न्यू रिवाइज रिजल्ट आएगा। मामला दोस्तों जो है, जो क्वालिफाइंग पेपर थे उनको लेकर था, इनके मार्क्स जो है कुल टोटल मार्क्स में जोड़ दिए गए थे। साथ ही साथ दोस्तों, हाईकोर्ट ने जिन अधिकारियों ने इसमें जो है ये मिस्टेक की थी, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने को भी बोला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।